रेड़वा जंगल से बरामद मृतक प्रभुसाई गुड़िया का शव रविवार को कामदारा पुलिस पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दी है। मृतक के शव को परिजन खूंटी जिला के तपकारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पैतृक गांव कुटुहातु में विधिवत तरीके से दफन किया। शुक्रवार को दिन में ही रेड़वा जंगल में लाठी डंडे से पीट पीट कर प्रभुसाई की हत्या की गई थी। जानकारी के अनुसार खूंटी जिला के तपकारा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुटुहातु गांव निवासी प्रभुसाई गुड़िया करीब 10 वर्ष से अधिक समय से अपने ससुराल रेड़वा कटहल टोली में रहता था। उसके ससुर की मृत्यु होने के पश्चात वह ससुराल में ही घर जमाई के तौर पर रहने लगा था। मृतक का एक 8 वर्षीय पुत्र सुमित गुड़िया भी अपने पिता व नानी के साथ रहता था, जबकि मृतक की पत्नी आशीषन किरकेट्टा करीब 1.5 वर्ष से दिल्ली में रहकर मजदूरी करती थी। घटना के दिन शुक्रवार को मृतक गांव में ही कुछ लोगों के साथ देखा गया था। इसके बाद शनिवार को जंगल में शव की जानकारी मिलने पर कामदारा पुलिस देर शाम जंगल से शव बरामद कर ली। अज्ञात लोगों के द्वारा मृतक को काफी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। जंगल में लाठी व डंडे से पीट पीट कर प्रभुसाई के हाथ व पैर तोड़ दिए गए थे। वहीं सिर व चेहरे पर भी गंभीर चोटें लगी थी। हालांकि अब तक घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। घटना की सूचना पर रविवार को मृतक की पत्नी दिल्ली से गांव पहुंच गई। घटना के संबंध में कामदारा के थाना प्रभारी कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि शीघ्र हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।